मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के अधिकारियों ने कहा है कि बॉलीवुड स्टार सलमान खान के बांद्रा स्थित आवास पर फायरिंग की घटना में शामिल लोगों का मकसद उन्हें मारना नहीं बल्कि सिर्फ डराना था। अपराध शाखा के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपितों ने पनवेल में सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी की थी। उनका मकसद उन्हें मारना नहीं बल्कि सिर्फ डराना था। उन्होंने कहा कि बिहार में दो परिवारों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। हरियाणा और अन्य राज्यों से करीब 7 लोगों से पूछताछ के लिए बुलाया गया है जो जारी है। इससे पहले अपराध शाखा ने कहा था कि हमलावरों ने हमले को अंजाम देने से पहले अभिनेता के आवास की रेकी भी की थी। गोलीबारी से पहले उन्होंने बांद्रा में गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान खान के आवास से लगभग 100 मीटर दूर मोटरसाइकिल खड़ी की और सलमान के घर के बाहर लोगों की अनुपस्थिति की पुष्टि करने के बाद वे मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे और फायरिंग करने के बाद फरार हो गए। इस बीच मुंबई पुलिस ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। अनमोल ने फायरिंग की घटना के बारे में फेसबुक पर लिखा था और धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया था।